बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को आज हम स्टार्ट करेंगे। यानी पहला इसका लेक्चर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? इट इज उर्दू में से हम कहते हैं हम आहंगी, ठीक है, या मुताबकत पैदा करना। और कंट्रोल से मुराद कि किस चीज पे काबू रखना, कंट्रोल से मुराद काबू होना या काबू रखना। सही। सो हम आहंगी और काबू में होना क्यों जरूरी है? मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम हैं जो वर्क कर रहे हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इन्हें इस साथ साथ नर्वस सिस्टम है, तो इन्हें इन सिस्टम को इस तरह काम करना चाहिए कि एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो, ना कि नुकसानदेह हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर बॉडी को कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, यानी वो एक दूसरे के मुताबकत के हवाले से चले, ठीक है। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी को डिस्टर्ब ना करे, रेस्पिरेटरी जो है वो सर्कुलेटरी के मुताबिक चले, ठीक है। तो इस तरह इनके दरमियान हम आहंगी होना जरूरी है। दूसरा, कंट्रोल की कहां पर जरूरत पड़ती है? मसलन आपने जब हरकत करनी होती है, ठीक है, आप के पास एक एड्रेस है, आपने उधर जाना है, तो आप उधर उस वक्त तक नहीं जा पाएंगे जब तक आप अपनी बॉडी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी आपके मसल्स की जो मूवमेंट है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि आप अपने डायरेक्शन के अंदर जा सकें, इसलिए कंट्रोल का होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मतलब हम डाइजेशन को रोक नहीं सकते, हम दिल का धड़कना बंद नहीं कर सकते, तो वो कुछ कह लें कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ वॉलंटरी होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, तो किसी पे कंट्रोल होता है, किसी पे नहीं होता। अलबत्ता इन दोनों का होना बहुत जरूरी है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, ठीक है। सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मसलन जो हम आहंगी है, यानी जो मुताबकत बॉडी में पैदा होती है, दो तरीकों से होती है। एक केमिकल्स के जरिए होती है, केमिकल्स यानी जिसे हम हारमोन्स भी कहते हैं, आगे जाके हम हारमोन्स का नाम देंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, ठीक है। और सेकंड वन जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, ये थोड़ी स्लो होती है, मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे स्लो होगी। और दूसरा, ये दोनों के अंदर होती है, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, बोथ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होगी। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो सी है ये फास्ट है, बट प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, ठीक है, ये हमें सिर्फ एनिमल्स के अंदर नजर आएगी, जानवरों में। और ये कह लें कि थोड़ी जदीद किस्म की होती है, क्योंकि इसमें फॉरन एक्शन निकलता है। जबकि केमिकल्स में होता है कि वो पहले बनेंगे, फिर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, फिर आगे जाके टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे, फिर जाके वो जाके इफेक्ट क्रिएट करेंगे, सही। अलबत्ता यहाँ पे ये चीज बताने का क्या मकसद है कि कोऑर्डिनेशन हर लिविंग थिंग का पार्ट है, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर तो सिस्टम आ जाएंगे, मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे हम, या इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे। यूनिसेलुलर में क्या होता है, मतलब इफ देयर इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, और ये सेंटर के अंदर डीएनए इसके मौजूद है और ये फ्लैजेला, तो बैक्टीरिया का जो सर्फेस एरिया है ये डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, डिटेक्ट एनवायरनमेंट, और वही रिस्पांस भी देता है फिर, ठीक है, इसके अंदर से रिस्पांस जनरेट होता है और डिटेक्शन के बाद। अच्छा, डिटेक्ट क्या करता है एनवायरनमेंट में से? जो चीज एनवायरनमेंट में डिटेक्ट होती है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई, जो इस चैप्टर में बार बार हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टिमुलाई? इट इज चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। सो चेंज इन एनवायरनमेंट के, जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हैं उसे आप स्टिमुलाई कहेंगे, और स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो जवाब आता है बॉडी की तरफ, जो एक्शन लेती है, उसे हम रिस्पांस कहेंगे। रिस्पांस यानी रिएक्शन अगेंस्ट स्टिमुलाई, के बॉडी को जो स्टिमुलाई रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आया है उससे हम रिस्पांस कहेंगे, ठीक है। मसलन अगर आप इसकी एक मजाया सी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप राह चलते किसी को थप्पड़ मारेंगे
तो वो भी आपको आगे रिस्पॉन्स में थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तो जो आपका जो थप्पड़ था वो उसके लिए स्टिमुलाई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो आया वो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है वो स्टिमुलाई होगी, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा या जो रिएक्शन बनेगा उसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। तो जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का रिलेशन है ये यूनिसेलुलर में भी होता है, मतलब ये एग्जाम्पल लिया हमने बैक्टीरिया की, और मल्टीसेलुलर में भी होता है। यूनिसेलुलर में सिंपल होता है, मतलब अगर कहीं एनवायरमेंट में चेंज है, फॉर एग्जाम्पल लाइट है, ठीक है, तो बैक्टीरिया लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर जाएगा, ठीक है, यानी पूरा बॉडी वहां से मूव कर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, लाइट आती है तो उसने फोटोसेंसिस स्टार्ट करनी है और सेलुलर लेवल पर फोटोसेंसिस स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, स्टोमेटा ओपन होगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल भी सिंपल होता है, ठीक, जबकि मल्टीसेलुलर के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। व्हाई? मल्टीसेलुलर के अंदर बेसिकली इन मल्टीसेलुलर रेस्पॉन्स इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिवीजन ऑफ लेबर के, यानी जो काम है वो कोई बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल ली के अगर लाइट आती है, ठीक है जी, बैक्टीरिया के ऊपर, तो बैक्टीरिया मूव करेगा, ठीक है, यानी फ्लैजला मूव करना स्टार्ट कर देगा, सही। अगर लाइट प्लांट के ऊपर आती है तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसेंसिस करेगा, सही, फिर स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है जी, स्टोमेटा ओपन होंगे। सो यानी डिवीजन ऑफ लेबर है, फोटोसेंसिस के लिए लैदर सेल्स जिसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, फिर स्टोमेटा लैदर सेल्स जो ओपन होंगे, इसके अलावा बाज़कत लाइट की वजह से पेटल्स जो से होती है फ्लावर्स मूव करते हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें होंगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर के अंदर एक स्टिमुलाई जो है बहुत से काम करवा रही होती है, जबकि यूनिसेलुलर के अंदर वो सिंगल स्टिमुलाई या सिंगल उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीसेलुलर के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगी। एक और मजे की चीज जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर हम जरूरी बात है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी फीलिंग्स होंगे, कंट्रोल सेंटर्स होगी, हमारी थिंकिंग होगी, इसके अलावा हमारी मेमोरी होगी, इसके अलावा हमारी फीलिंग्स वगैरह, वो सारी ब्रेन के अंदर स्टोर होती है, वो किस तरह होती है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, और ये इसका काफी बड़ा टॉपिक रहेगा। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स पे जाने से पहले हम प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो प्लांट्स, अगर हम ये कहें कि प्लांट्स के पास फीलिंग्स नहीं होती, मतलब दे डोंट सेंस, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो प्लांट्स सेंस, ठीक है जी, उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी वो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। दूसरे लफ्ज में क्या करेंगे? दे रिसीव स्टिमुलाई, यानी वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं एंड जनरेट रेस्पॉन्स, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे जी हम एक दरख्त को जाके लात मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो वो आगे से थप्पड़ या लात नहीं मारता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फील नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो जो फीलिंग्स है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में ट्रेवल करती है। मतलब आपने अगर उस पर जरब लगाई है और उसका हिस्सा कट किया थोड़ा सा प्लांट का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिपेयर स्टार्ट करवाएगा, ठीक है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस, फौरन रिपेयर नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता से उसकी रिपेयर स्टार्ट होगी, ठीक है। सो जो प्लांट की सेंसिंग होती है वो हार्मोन्स के जरिए होती है, ठीक है। देर आर प्लांट हार्मोन्स जो केस के अंदर रोल प्ले करते हैं, यानी प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इसे कहा जाता है, और इंटरनली सीक्रेटेड केमिकल्स इन प्लांट्स व्हिच हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, इसका कोऑर्डिनेशन उस किस्म की नहीं है कि फॉरन रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बल्कि नहीं, वो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट करवाएगा, या टर्जिडिटी मैटर कर रही होती है, ठीक है, कि सेल्स की टर्जिडिटी कम ज्यादा होगी, और साथ साथ इसी तरह वो प्लांट एनवायरमेंट को भी रिस्पॉन्स देता है, मतलब
एपिकल डोमिनेंस पढ़ेंगे हम आगे जाके, कि तना लंबा यानी कह लेंगे सूरज की तरफ पत्ते मुड़ते हैं और फिर नीचे रूट्स की तरफ, रूट्स जमीन की तरफ जाती हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्स है उसके एनवायरमेंट के लिए, सही। हाँ अलबत्ता रिस्पॉन्स इसका स्लो है, ठीक है जी, स्लो रिस्पॉन्स है प्लांट्स का, क्यों कि डू नॉट हैव मसल्स, ठीक है, इनके पास मसल्स नहीं है कि जिस तरह आपने उसे अगर लात मारी है या आपने कोई भी चीज उसे जरब लगाई है तो वो उसके अगेंस्ट में कोई आपको चीज नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास मसल्स नहीं है उस किस्म के जिसके जरिए वो एक फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, ठीक है। डू नॉट हैव मसल्स, यहाँ पे हैव भी लिख ले, और उसके अलावा डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम काफी फास्ट होता है जो सारी बॉडी को कनेक्ट करता है और फौरन रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। इसके अंदर हम एक रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ेंगे कि जो ही कह लें कि आप गर्म चीज को हाथ लगाते हैं फौरन हटा लेते हैं, इवन आपको उस टाइम तक पेन फील नहीं होता लेकिन आप हाथ हटा चुके होते हैं, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम होता है जो एकदम आपका रिस्पॉन्स जनरेट करवा देता है। तो नर्वस सिस्टम भी प्लांट्स में नहीं है, सही, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जो कि स्लो होता है, ठीक। तो लास्ट में आगे हम क्या कहेंगे प्लांट्स के बारे में, यही कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं डू रिस्पॉन्ड, ठीक है जी, कि प्लांट्स डू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है, कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय किन तरीकों से, एक तो ये होगा रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एप्रोप्रिएट वे, ठीक है, यानी वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे, ठीक है, जिससे आप अगर आपने प्लांट के हिस्से को डैमेज किया तो वो वहां पे उसकी रिकवरी स्टार्ट करवाएगा, सही। और दूसरा उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स हैं फॉर रेगुलेशन, सही, कि मसलन हम कहते हैं कि जी कुछ सर्मा की फसलें होते हैं, कुछ मौसम गर्मा की फसलें होती हैं, वो क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स का बैलेंस उस हिसाब से होता है, ठीक है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, मतलब जो गर्मियों के अंदर फूल पैदा करते हैं, कुछ सॉरी ये लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे, जो सर्दियों में फूल पैदा करते हैं उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो इस तरह से है कि उनके अंदर फ्लावरिंग गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से आएगी, ठीक है। यानी प्लांट्स जो रिस्पॉन्ड बाय, एक हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी पोर्शन होगा उसमें वो अफेक्टेड पोर्शन होगा, जहां पे स्टिमुलाई आएगी वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, और दूसरा यह है कि उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इसकी फ्लावरिंग को, इसके कह लेंगे बीज के बनने के अमल को, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर पोलिनेशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी हद तक, कि जाहिर बात है कि अगर गर्मियों के पौधे हैं तो उनके लिए लंबे दिन चाहिए होते हैं, ठीक है, और जो सर्दियों के पौधे हैं उनके लिए छोटे दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान हार्मोन्स का डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, सही। तो ये हो गया आज का हमारा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले। कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं हम आहंगी के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक मुताबकत का होना, दूसरा कंट्रोल है यानी काबू में रहना, कंट्रोल से मना जाए कि आपका आपकी जो बाजू की हरकत है, आपकी टांगों की हरकत आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है। सो इसमें हमने कहा दो किस्म के, एक तो वो केमिकल्स के जरिए कर रहे होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो केमिकल्स के अंदर हमने कहा ये स्लो होते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं, ठीक है, जबकि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाई जाएगी, सही। और दूसरा यूरिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई के, लेकिन उनके रिस्पॉन्स सिंपल होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, जबकि अगर हम इसी में एग्जांपल देखें, अगर लाइट आ रही थी तो प्लांट के लिए बहुत से काम है उसके लाइट के हवाले से, कि फ्लावरिंग भी करता है, एक और चीज है कि लाइट अगर आती है तो बैक्टीरिया में बढ़ती है, बैक्टीरिया या तो मूव हो जाएगा टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ, या लाइट से दूर हो जाएगा, लेकिन प्लांट्स के लिए लाइट अगर पड़ती है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवाएगा, स्टोमेटा ओपन होंगे उसके, फ्लावरिंग पे असर पड़ेगा लाइट का, ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, कि जिस तरफ लाइट पड़ रही होती है उस तरफ पत्ते जैसे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और सम तो यहाँ पे आप इससे से क्या कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर डिवाइड हुई होती है, यानी मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं,
ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने कहा एक मजेदार टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम का भी आएगा, जिसके हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर हमने प्लांट्स पे बात की, तो हमने कहा जी प्लांट्स सेंस करते हैं, ठीक है, सेंस से क्या मतलब कि रिसीव स्टिमुलाई और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स इनका काफी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं होते और नर्वस सिस्टम नहीं है जो फास्ट कोऑर्डिनेशन कर सके, ठीक है। और प्लांट्स जो है वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दो तरीकों से जनरेट कर सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा उनके हार्मोन्स है जो चीजों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मतलब फ्लावरिंग को रेगुलेट करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ को, जो एनुअल रिंग बनते हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, फिर हम जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जो मूवमेंट हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी उनको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, सही। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे बता दें आपको, प्लांट मूवमेंट, ठीक है, वो हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, प्लांट मूवमेंट्स, ये पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, प्लांट मूवमेंट के अंदर, यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स थी, टैक्टिक मूवमेंट्स थी, इन सब के बारे में पीछे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वो हमें यहाँ पे रिपीट या रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप वापस पीछे जाके उन्हें देख सकते हैं। और उसमें कुछ यानी फास्ट मूवमेंट भी थी जो कि हमने टच मी नॉट प्लांट के अंदर पढ़ी थी, तो यानी ये हम स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, अब इसे हम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर आगे जो प्लांट्स के अंदर फोकस करेंगे वो उसके हार्मोन्स को फोकस करेंगे और जो हार्मोन्स के जो एक्शंस है उसको फोकस करेंगे।